जब पहली बार आप इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हो और वो इंडिया का कलर पहनते हो और पीछे लिखा रहता है इंडिया, या जब आप खेलने उतरते हो ग्राउंड पे और उसके पहले वो राष्ट्रीय गान होता है, वो जब तिरंगा आपका फहरता है तो एक वो आप महसूस कर सकते हो, उसको आप बयां नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आप देखे होंगे क्रिकेट में भी बहुत अग्रेसिव खेलते हो, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा हमारे इंडियन को कैसे वो जबरदस्ती की चीजें करते हो, उसी तरह हॉकी में भी वो बहुत रफ टफ खेलते हैं। क्योंकि अब हम भी प्रतापगढ़ के हैं तो मतलब हमारे पास भी माशाल्लाह स्किल वाली हॉकी थी, रफ टफ भी कर लेते थे, तो हमें डर नाम की चीज नहीं थी। प्रतापगढ़ में हम पुलिस वालों के साथ खेले थे, सब बड़ी उल्टी सीधी हॉकी मारते रहते थे, तो उसका बड़ा फायदा था हमको। तो वो भी जब उल्टी सीधी हॉकी चलाते थे तो हमें उस भाषा में भी जवाब देना आता था कहीं ना कहीं। हमें अच्छी तरह याद है जब हम पहली बार हम लोग गए इंग्लैंड जर्मनी पोलैंड, तो हम लोग का जर्मनी में टेस्ट मैच हो रहा था, शाम को हम लोग डिनर करने जा रहे थे, जब तो देखा कि जर्मनी के कोच लोग उनके बच्चों को बैठा के हम लोगों का मैच दिखा रहे हैं। तो सीरीज तो हम जीत गए, लेकिन चौथा मैच उन्होंने वो मैच देख देख के हमको हरा ही लिया। नेक्स्ट डे जैसे ही मैच स्टार्ट हो उनका एक प्लेयर आके हमारे आसपास खड़ा हो जाए, और उस समय रोटेशन चालू हो गया था, तो मतलब हमको वो कहीं बॉल ही न छूने दे वो और उनका प्लेयर वो चेंज होता रहे। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनको किसी भी मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और ये हमारे शो की खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अनवर खान सर, और जो एक इंटरनेशनल फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, और इन्होंने देश के लिए हॉकी खेली, वर्ल्ड कप में हॉकी खेली, 1987 से इनकी शुरुआत हुई। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि अभी इस एज के 2000 के बाद के हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अनवर साहब ने 1987 में अपने इस पूरे हॉकी की शुरुआत की, अपने इस कैरियर की शुरुआत की, और उसके बाद 1994 में ये एयर इंडिया से खेलना इन्होंने स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी में 1997 में इंटरनेशनल हॉकी में इन्होंने वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप खेला, और साथ ही साथ फिर उसके बाद इंटरनेशनल सफर जारी रहा, और ये सफर जारी रहा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में 2000 में जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ये खेलने गए वहां तक इस सफर जारी रहा। उसके बाद ONGC में इस वक्त ये पोस्टेड हैं अगरतला में, और सबसे बड़ी बात है कि अभी इनका हॉकी का सफर खत्म नहीं बल्कि इन्होंने एक नई शुरुआत की है। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है जहां पर के रहने वाले हैं, और वहां पर इन्होंने अपने दम पर अपनी कुछ दोस्तों की मदद से एक अनवर हॉकी क्लब की शुरुआत की है, जहां पर हॉकी जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है जिसको लोग ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर अनवर हॉकी क्लब की शुरुआत की, और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के साथ साथ वहां पर वहां के बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हॉकी खेलने के लिए, और एक लगभग 75 से लेकर 80 ऐसे बच्चे हैं जो कि उस अनवर हॉकी क्लब में खेलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं, और ये सारा काम कर रहे हैं अनवर सर। तो आज हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ हैं, आज इनकी बहुत सारी इनकी पूरी लाइफ इंटरनेशनल जो हॉकी इन्होंने खेली, अंतर्राष्ट्रीय भारत को रिप्रेजेंट किया विदेश में, कैसे ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियन को उनके भाषा में जवाब दिया, उन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग ये इंटरव्यू, बहुत ही एक्साइटिंग ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है अनवर सर आपका इस शो में। शुक्रिया सलीम भाई, तो बहुत अच्छा लगा आज, और सबसे अच्छा तो ये लगा, देखिए समय कैसा चलता है, हम लोग 20 साल पहले मुलाकात हुई थी और तब आप इतनी सारी तैयारियां कर रहे थे, आज आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि आप माशाल्लाह इस मकाम पे हैं। जी जी, बस आप लोगों की दुआएं हैं सर। तो सर सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, जानना चाहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और उस राष्ट्रीय खेल में, नेशनल गेम में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, विदेशों में खेला, विदेशों में लोगों का कई देशों को हराया, सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो इंटरनेशनल जर्नी कैसी रही आपकी? एक्सपीरियंस तो दोस्त हिंदुस्तान के लिए खेलना और 5 अक्षर का कलर पहनना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान का 16 की टीम बनती है और उसका इंडिया कलर पहनना मतलब एक
हम लोग जैसी छोटी जगह से आने वालों के लिए बहुत बड़ा एक सपना सच होने के बराबर होता है। तो एक्सपीरियंस तो एक अपने आप में वो अजूबा रहता है, और जब पहली बार आप इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हो और वो इंडिया का कलर पहनते हो और पीछे लिखा रहता है इंडिया, या जब आप खेलने उतरते हो ग्राउंड पे और उसके पहले वो राष्ट्रीय गान होता है, तो वो जब तिरंगा आपका फहरता है तो एक वो आप महसूस कर सकते हो, उसको आप बयां नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आप बातें कर रहे हैं और रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जो व्यूवर्स हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे इस बात को देखकर, आपकी बातों को सुनकर कि जब वो राष्ट्रगान गाया जाता है और आपके सीने पर तिरंगा लहरा रहा होता है, तिरंगा जो है वहां पर लगा हुआ होता है उसका, वो तो अलग फीलिंग होती है, उसको सिर्फ बयान नहीं किया जा सकता, नो डाउट। वो तिरंगे के बाद मैच होता है तो मतलब एक अलग ही जोश जज्बा रहता है, वो तो फिर एक मरने मारने वाले सब स्थिति रहती है। हार जीत अपनी अलग बात है, खेल है, हार होती है जीत होती है, लेकिन जो एक हिंदुस्तान से खेलने का एक अलग, बड़े हम लोग खुशनसीब हैं कि हमको हिंदुस्तान से खेलने का मौका मिला। जी सर, ये बताएं कि उस सफर में, उस सफर की कुछ जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों से आपने खेला, देश दूसरे देश में जाकर खेला, अपने देश में बुलाकर खेला, कुछ यादें, कुछ ऐसी यादें जो आपको बेस्ट याद हो कि वो मेरा टेस्ट उस देश से जो खेला था मैच, वो मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच या वो यादगार टेस्ट रहा। सबसे यादगार तो जब हम पहला ही जूनियर वर्ल्ड कप खेलने गए तो 25 साल बाद उसमें सिल्वर मेडल आया। तो 25 साल बाद फाइनल खेलना इंग्लैंड के अंदर, वो मतलब बहुत ही, सेमीफाइनल जब हम लोग जीते थे जर्मनी से, फाइनल हमारा ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, तो सेमीफाइनल जर्मनी से जीतना अपने आप में मतलब बहुत ही सुखद अनुभव था, एक बड़ा कि आप 25 साल बाद, हम लोगों को पहले पता भी नहीं था 25 साल से इसमें कोई मेडल नहीं आया है। बिल्कुल 25 साल बाद इंडिया पहली बार फाइनल पहुंची थी उसमें, और बल्कि उसके बाद से हमारे हिंदुस्तान में एक अलग हौसला आया बच्चों में, जो सेकेंड वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो बच्चे गए वो फाइनल जीते। जी जी, तो आप जब एक कोई लकीर बनाते हैं तो उसमें फिर पीछे वालों को ये हौसला हो जाता है कि हम भी ये कर सकते हैं। फिर बिल्कुल, अब वो फाइनल लूज कर गए हैं तो हम अगला फाइनल जीतेंगे, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सुखद अनुभव हैं। आपका जब ऑस्ट्रेलिया, हमारा जब ओलंपिक के पहले का राउंड था, प्री ओलंपिक हो रहा था वहां पर्थ में, वो हम लोग फोर नेशन चैंपियन हुए थे, तो वो भी अपने आप में बड़ा अच्छा अनुभव है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल काम है। उस वक्त की एक बात मुझे याद आती है कि उस वक्त बीबीसी लंदन ने आपके लिए कहा था कि अनवर जो है जब एयरपोर्ट से उड़ते हैं तो उनके पास कई हॉकियां रहती हैं, वो सिर्फ खेलने वाली हॉकी लेकर नहीं उड़ते हैं बल्कि कई हॉकियों के साथ उड़ते हैं। तो जिस तरीके की हॉकी ऑस्ट्रेलियन पसंद करते हैं, मार धाड़ की, तो अनवर एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना आता है, और वो अपनी हॉकी से बहुत अच्छे से उनको जवाब देना जानते हैं और उन्होंने दिया। तो वो इवेंट क्या था जब पूरी दुनिया हिल गई थी और पूरा बीबीसी लंदन ने इसको प्रसारित किया था, इंटरनेशनल खबर बनी थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन क्या है कि आप देखे होंगे क्रिकेट में भी बहुत अग्रेसिव खेलते हो जी। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा हमारे इंडियन को कैसे वो जबरदस्ती की चीजें करते हो, उसी तरह हॉकी में भी वो बहुत रफ टफ खेलते हैं। तो अब क्योंकि अब हम भी प्रतापगढ़ के हैं तो मतलब हमारे पास भी माशाल्लाह स्किल वाली हॉकी थी, रफ टफ भी कर लेते थे, तो हमें डर नाम की चीज नहीं थी। प्रतापगढ़ में हम पुलिस वालों के साथ खेले थे, सब बड़ी उल्टी सीधी हॉकी मारते रहते थे, तो उसका बड़ा फायदा था हमको। तो वो भी जब उल्टी सीधी हॉकी चलाते थे तो हमें उस भाषा में भी जवाब देना आता था, कहीं ना कहीं वो मैच के दौरान होता है जी। वहां पे स्लेजिंग भी होती थी, वहां पे गाली गलौज भी करते थे या इस तरीके की भी चीजें करते थे वो? गाली गलौज थे, वो तो सब मैच के पार्ट है, उसको आप गाली गलौज नहीं कहोगे
वो सब एक तरह से सोच लीजिए अपने आप को मोटिवेट करता है प्लेयर। हाँ नहीं मतलब आज ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो चाहे वो क्रिकेट की टीम हो या कोई भी टीम हो वो स्लेजिंग के लिए जानी जाती है, तो मैं सोचता हूँ उस वक्त भी स्लेजिंग होती थी। हमेशा से रही है, हमेशा से प्लेयर देखिए ठीक है अब आज थोड़ी और फास्ट हॉकी हो गई और, लेकिन सब कुछ उसी तरह जो है साहिद भाई के जमाने में भी था, साहिद भाई को भी लोग ऐसे ही करते थे वो। तो ये हमेशा से रहा है प्लेयर देखिए, उन लोगों में उनका एक सिस्टम और बहुत अच्छा है, वो लोग आपके ऊपर आपके मैच को पूरा ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा आपको मैन टू मैन देखते हैं वो कि कौन सा प्लेयर क्या करता है कैसे करता है और इसको किस तरह से डोमिनेट किया जाए, इसको किस तरह से रोका जाए। हमें अच्छी तरह याद है जब हम पहली बार हम लोग गए इंग्लैंड जर्मनी पोलैंड, यूरोप का टूर था एक फर्स्ट टूर था वो, तो हम लोग का जर्मनी में टेस्ट मैच हो रहा था। तो पहला मैच हम लोग जर्मनी को 4-1 या 5-1 से हराए। उस समय हम लोग को पता नहीं था कि टीवी स्क्रीन पे मैच देखते हैं सब, ये सब कुछ नहीं पता था। तो जर्मनी की टीम भी जहां रुकी थी हम लोग भी वहीं रुके थे। तो शाम को हम लोग डिनर करने जा रहे थे जब, तो देखा कि जर्मनी के कोच लोग उनके बच्चों को बैठा के हम लोगों का मैच दिखा रहे हैं। अच्छा तो अपना मैच देखना बड़ा सुखद अनुभव होता था, हम लोगों ने कभी टीवी देखा ही नहीं था, कैसे खेलते कुछ पता ही नहीं। तो खिड़की से झांका यार हम लोग का मैच चल रहा है, तो वो लोग उसमें वो मैच देख रहे थे और हम लोगों पे सब प्लेयर पे कौन कैसे खेल रहा है कौन कैसे उस पर उन्होंने पूरा, हमको नहीं पता, वो पूरा रिसर्च उस पर कर डाले। उसके बाद वो हमारा उनका 4 मैच का सीरीज था, तो सीरीज तो हम जीत गए लेकिन चौथा मैच उन्होंने वो मैच देख देख के हमको हरा ही लिया। अच्छा 3 मैच की सीरीज तो हम जीत गए थे लेकिन वो सिर्फ उसको देख देख के, नेक्स्ट डे जैसे ही मैच स्टार्ट हो उनका एक प्लेयर आके हमारे आसपास खड़ा हो जाए, और उस समय रोटेशन चालू हो गया था, तो मतलब हमको वो कहीं बॉल ही ना छूने दे वो और उनका प्लेयर वो चेंज होता रहे, तो वो उतना ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अब कहां से किसके पास से बॉल मूव होती है उसको ब्लॉक करो। बड़ी बड़ी उनकी रिसर्च, अब तो खैर हमारे इंडियन भी बहुत ये सब रिसर्च करने लगे, बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं, तब इतना ज्यादा नहीं था, अब हम लोग के भी उतना समझ में नहीं आता था। और इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती थी हमेशा हॉकी प्लेयर के साथ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा पीछे रहते थे, बहुत तरह की समस्या रहती थी, लेकिन यह है हम लोग उसका मजा लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है कि चक दे इंडिया, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो चक दे इंडिया, उन्होंने शायद वो मैचेस तो नहीं देखे होंगे आपके, लेकिन चक दे इंडिया जो एक फिल्म बनी वो उसको पूरा विजुलाइज कर रहे होंगे, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि कौन से फॉरेनर्स जो है, फॉरेन टीम्स जो होती हैं वो एक एक मतलब जो भी खिलाड़ी होता है उसको वो नोटिस करते हैं, उसको कैसे उसको घेरना है, वो सारी चीजें इस चक दे इंडिया फिल्म में दिखाई गई हैं, तो शायद विजुलाइज कर पा रहे होंगे उस पूरी आपकी कहानी को देखकर, एक फिल्म बन रही है सबके दिमाग में। तो अनवर सर अब कुछ बातें करते हैं, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं, कुछ वक्त उस वक्त की, कुछ उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं और आप बताइए उससे जुड़ी हुई यादें। आपके ही फेसबुक पेज से हम लोगों ने, मैंने उसको निकाला, मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। एक ये फोटोग्राफ आई है, दिख रही है आपको स्क्रीन पर सर? हाँ दिख रही है, ये बड़ी यादगार पिक्चर है ये जी। ये पाकिस्तान सीरीज हुआ था, अच्छा 4 मैचों की सीरीज हुई थी, 4 मैच पाकिस्तान इंडिया खेलने आई थी जी जी, और हम लोग 4 मैच खेलने के लिए लाहौर पाकिस्तान गए थे। अच्छा लाहौर कराची, ये नेशनल स्टेडियम की पिक्चर है, वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री हुए थे और मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उनका कितने हम्बल है उनका ये देख के बड़ा ताज्जुब होता है। उस समय देखिए वो कोई भी कमांडो उनके आसपास नहीं है, उनका अपने आप से वो अपने आप को संभाल रहे हैं, बिल्कुल मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग, मतलब वो उनका ये और उनका वो चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, वो बात करने का वो अपने आप में कमाल था। उस दिन का अनुभव तो बड़ा अजीब था, वो बगल में धनराज भाई खड़े हैं, उनके बगल में दिलीप पिरकी साहब खड़े हैं, उनके बगल में गेविन फरेरा हैं, वो भी ओलंपियन हैं,
पीछे वाजपेयी साहब के गिल साहब हैं, एपीएस गिल साहब उस समय इंडियन हॉकी के प्रेसिडेंट थे जी। और ये साइड में हमारी फोटो है, तो बड़ा बड़ा बेहतरीन अनुभव था वो वाजपेयी साहब के साथ जी। और वो पाकिस्तान से मैच भी था तो एक अलग ही जुनून रहता है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, मतलब बहुत। ये तो आपने बड़ी अच्छी फोटो निकाली भाई, मैंने आपने बड़ा ही जी। तो अब ये उस वक्त की मतलब ये एक ऐतिहासिक सीरीज रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रही तो हम लोग पाकिस्तान के साथ जब कोई भी सीरीज होती है तो वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पिक्चर आपकी वाजपेयी साहब के साथ रही है। दूसरी पिक्चर मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करेगी। जब भारत का देश का तिरंगा लेकर आप मैदान में दौड़े थे उस वक्त की तस्वीर है, ये कब की है और इसके इससे जुड़े हुए अनुभव क्या रहे हैं? ये जूनियर वर्ल्ड कप की ही है जो हमने जर्मनी को सेमीफाइनल में हराया था। अच्छा, और ये जैसा आपको कह रहे हैं ना कि उस समय तिरंगे का एक अलग ही वो रहता है। जर्मनी से भी हम लोग का बड़ा टफ मैच चल रहा था, इस मैच को जीतने के पीछे भी तिरंगा ही था। वो जो साइड में पवेलियन दिख रही वहां पे बहुत सारे इंडियन बैठे थे। अच्छा, और जो सेकंड हाफ में जब उन्होंने तिरंगा लहरा के और ढोलक बजाना शुरू किया ना, तो हम लोगों ने फिर वो मैच का पूरा रुख ही पलट गया। और बगल में हमारे दिलीप तिर्की साहब हैं जो पद्मश्री हैं और राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, अभी इस समय उड़ीसा में पूरे ब्रांड एम्बेसडर हैं हॉकी के, मतलब बहुत काम कर रहे हैं वो। और इस तरफ हमारे लाजरस बारला साहब हैं, वो भी ओलंपियन हैं, इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, अभी इस समय भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हैं, वहां के मैनेजर हैं। तो ये तिरंगा उठाना तो अपने आप में ऊपर वाले ने हमें गौरव दिया, बड़े फख्र की बात है, ये बड़े नसीब से मिलता है। और फोटो तो बड़ी यादगार है जी। ये फोटो कुछ दिन नेशनल स्टेडियम में लगी रही, ये अपने आप में बड़ी बड़े कम ऐसी फोटो हो पाती हैं जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी फोटो छाट के आप जी। और फिर इसके बाद आदमी भूल जाता है धीरे धीरे जी जी। और सबसे बड़ी बात है इन फोटोज से जुड़े अनुभव जब आप शेयर कर रहे हैं तो पूरे देश जो जहां जहां पर इस पॉडकास्ट को इस इंटरव्यू को देखा जाएगा, लोग आपसे जुड़ पाएंगे, आपके अनुभवों का वो लाइव जो 20 साल 22 साल बाद जो अनुभव है उसको उसके जो इमोशंस हैं उसे शायद फील कर पाए। ये मेरी कोशिश है कि उस इमोशंस को फील किया जाए जब आप देश के लिए खेले थे और देश जीता था। नहीं, बिल्कुल सही है, जब 22 साल बाद कोई, आज हम लोग 42-43 साल के हो रहे और इस एज की फोटो आप तिरंगे के साथ दिखा रहे हो, तो मैंने बोला तो वो इमोशन बयां नहीं किया जा सकता। उस समय जब वो इंग्लैंड की धरती पे, मतलब आप कहने का जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए उनकी धरती पे हम तिरंगा फहरा रहे हैं, ये अपने लिए एक फक्र की बात तो होती ही है जी। तो इंग्लैंड बड़ी फक्र तो शायद हो ही नहीं सकती कि हम अपना तिरंगा इंग्लैंड की धरती पे फहरा रहे हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी फोटो सर ये है आपकी, फिर से एक बार तिरंगे के साथ। हाँ, ये भी बड़ी पाकिस्तान सीरीज की ये भी बड़ी यादगार फोटो है जी। इसमें मोहम्मद रियाज साहब है हमारे आगे, वो भी ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है। उसके आगे बलजीत सैनी साहब हैं, वो भी ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है और इस इंडिया टीम के कोच भी रहे हैं। हमारे बैक साइड में रमनदीप साहब हैं, उस समय हमारे कप्तान भी थे। अच्छा, ये भी बड़ी यादगार फोटो है, पाकिस्तान सीरीज की है जी जी जी। तिरंगे से तो बहुत अलग मोहब्बत है हमें और तिरंगे का मोहब्बत हर हिंदुस्तानी को रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौथी फोटो ये बहुत ही ब्लर फोटो मुझे मिल पाई, इसके बारे में जरा बताएं सर। ये इंडिया कैंप की फोटो है जी। उस समय हम रेलवे में थे, इंडियन रेलवे का ऊपर कलर भी पहना है, DLW में हम जॉब करते थे साहिद भाई के पास। अच्छा अच्छा। और ये इंडिया कैंप में हमारे बगल में धनराज पिल्ले भाई हैं, रमनदीप भाई हैं, बलजीत सैनी हैं, राजेश कुमार साहब हैं और अपना उसके पीछे हरभजन साहब है, वो समय BSF में है असिस्टेंट कमांडेंट।
धनराज भाई से हमारी गुप्तगु हो रही है। अब उसमें उस समय हम बहुत छोटे थे, मतलब इतने सीनियरों के बीच में, और धनराज भाई तो उस समय हमारे आइकॉन थे और आज भी हैं, और उनके साथ प्रतापगढ़ का एक छोटा सा बच्चा इंडिया कैप में रनिंग कर रहा हो तो बड़ी मस्ती होती है। खैर वो बड़े अच्छे सीनियर थे तो बड़ा मजा आता था। आप देख रहे होंगे जिस साहब की फोटो लग रही है कि बड़ी मजेदार रनिंग होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंडिया कैंप की फोटो है उस समय। बिल्कुल, हम लोग का शायद जर्मनी के साथ मैच था, इंडिया में जर्मनी टीम आ रही थी सीनियर की, हम सीनियर टीम में आ गए थे जूनियर वर्ल्ड कप के बाद। और ये बड़ी अच्छी खुशनसीबी हम लोग की रही कि हम लोग जूनियर वर्ल्ड कप जैसे ही खेले, वापस आते ही हम समीर दाद, राजीव मिश्रा, उस वर्ल्ड कप से 4-5 प्लेयर हम लोग सीनियर टीम में तुरंत आ गए। ये हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी रही कि हम लोग को धनराज भाई लोग के साथ बहुत से मैच खेलने के मौके मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कुछ कुछ यादें थी जो मैंने सोचा कि इस पे आपके आपका रिएक्शन लिया जाए। और अब हम लोग वापस चलते हैं लाइव पर। तो सर ये सब तो बहुत खूबसूरत यादें रही आपकी इस पूरे हॉकी की जर्नी की। सर कुछ दिल में कुछ मलाल भी है, कुछ अफसोस भी है? अब अफसोस नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कभी कभी ये होता है कि इंसान तो देखो ऐसा है कि वो जब जाने की तैयारी में रहता है तब भी चाहता है कि हमें ये मिल जाए। ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ रही जाती। अब जैसे ये 2000 का ओलंपिक था, तो वो ओलंपिक शायद मैं उस समय जरूर खेलता, लेकिन कुछ इंजरी होने की वजह से मुझे वो उसके बाद टीम छोड़नी पड़ी। तो आप एक इंजरी के दौर से टीम छोड़ते हो मजबूरी में, तो वो कहीं ना कहीं कि सामने ओलंपिक है, और 2000 का ओलंपिक बिल्कुल कंफर्म था उस समय, जिस हिसाब की हॉकी चल रही थी, खेल रहे थे माशाल्लाह, अच्छा खेल रहे थे तब। लेकिन फिर ये लगता है कि अल्लाह ने जितना दिया उसका शुक्र है, कि अगर ये इंजरी हमें मान लो पहले हो जाती तो हम शायद इस दौर तक न पहुंच पाते। तो इंसान को ज्यादा मलाल नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। और उस समय लगता है कि हमसे ये चीज छूट गई, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए जो सोचता है, जो करता है, अच्छा करता है, एक चीज छोड़ता है तो कोई ना कोई चीज आपके लिए एक दरवाजे बंद करता है और दरवाजे खोलता है। तो उसका मकसद कुछ और रहता है, आप हम नहीं समझ पाते हैं, वो हमको कुछ और देना चाहता है। तो जो भी मिला अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब ओलंपियन होना तो अपने आप में एक अलग बात होती। तो वो कहीं ना कहीं एक मिस करता है थोड़ा बहुत, तो वो मिस करता है। तो इसीलिए अभी एक लक्ष्य पे लगा हूँ कि प्रतापगढ़ से कोई एक और ओलंपियन निकले। बिल्कुल, कि जिसको मैं माला पहनाऊं जाके एयरपोर्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है एक लक्ष्य की अगर इसीलिए हमारी हॉकी सोसाइटी खोली है जी। 2001 में मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी आपके अंदर ये मलाल था, और शायद वो ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट था उसमें ही आपको इंजरी हुई थी। आप कुछ गड़बड़ वहीं पे हुआ था, तभी आप मिस कर गए थे, वरना आप उस वक्त बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंडिया के थे जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे सिडनी ओलंपिक से पहले। लेकिन आपने सही बात कही कि जो चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, कुछ उसमें अच्छाइयां छिपी रहती हैं, और इंसान इसी को एक्सेप्ट करता है और यही सब बातें कह के अपने आप को दिलासा भी देता है, और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। सही बात है। तो अनवर सर ये बताएं कि अभी जो नए खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, जो अपने क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, जिनके जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा है? आप मतलब आप कुछ ऐसी बातें क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके लिए एक इंस्पिरेशनल वैल्यूज देना चाहेंगे उन्हें? नए खिलाड़ियों के लिए हमारा सिर्फ इतना ही उनसे वो कहना है कि अभी तो फिलहाल स्पोर्ट्स में देखिए हर खेल में ग्लैमर भी आ गया है, पैसा भी आ गया है, आप अच्छा खेलोगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। थी पहले भी, लेकिन न पहले इतना मीडिया था, न पहले इतना ग्लैमर था, न पहले इतना पैसा था। हम लोग के दौर तक आया, हम लोग से पहले वाले दौर को तो और भी कम था, उनकी फोटो खोजनी मुश्किल होती है। बिल्कुल सही।
शाहिद भाई जैसे इतने बड़े प्लेयर की फोटो आप कोई उस तरह की खोजो जो आज के दौर के प्लेयरों की हर मूवमेंट की फोटो है उनकी, सही बात, लेकिन उनकी नहीं मिलती है। तो वो दौर कुछ और था, हम लोग का दौर थोड़ा उससे बेहतर आया, अभी का दौर और अच्छा है। तो अगर हमारे नए बच्चे चाहे जिस खेल में, अपना क्रिकेट में ले लीजिए, हॉकी में ले लीजिए, फुटबॉल भी आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल, आप अपनी हिंदुस्तान की कबड्डी टीम ले लीजिए, अपने यहाँ की अब बास्केटबॉल टीम भी अच्छी हो रही, और पहले की अपेक्षा फुटबॉल भी बहुत अच्छी होने लग गई है, और फुटबॉल में भी लीग होती है, अच्छा पैसा होने लग गया, बिल्कुल। लेकिन आपको एक कोई भी खेल करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए बीच वाले सफर करते हैं, जो अच्छे हमने देखा पढ़ने वाले हैं वो ये नहीं कहते कि हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई कुछ नहीं, वो आज एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ रहे हैं। हमने कितने पढ़ने वालों को ऐसे देखा है, हमारे UNGC में एक से एक टैलेंटेड आते हैं, यहाँ उनको नहीं जमता, हम जा रहे हैं दूसरी जॉब कर ले। तो स्पोर्ट्स में भी हमने देखा है कि जो 21 खेलते हैं उनको नहीं कोई दिक्कत होती है, 19-20 वाले दिक्कत में फंसते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो भी बच्चे खेले मेहनत इतनी करें कि वो एक जुनून पैदा करें, अगर खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ करें। एक सिंपल सी थ्योरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ, आप जो भी काम करो शिद्दत के साथ करो, पढ़ाई करो शिद्दत के साथ करो, तो आप उस मकाम पे पहुंचोगे। आप ही हमारे सामने बैठे हैं, आपको हमने तब से देखा और आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, देखिए आप छोटी सी जगह से आप भी हैं और आप अपना पढ़ाई में अपना एक मकाम बनाए, आज आप इतने कॉलेज में जाके लेक्चर देते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो कोई भी काम शिद्दत के साथ किया जाए तो हमें नहीं लगता, आपको वो एक कहावत है कि आप शिद्दत के साथ कुछ करके देखो कायनात पूरी लग जाएगी उसको मिलाने के आपके पीछे। जी जी, आप एक एक तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो सुराग होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो आप आपके ऊपर है कितनी तबीयत से आप उछाल रहे हो। मीडियोकर बनकर नहीं रहना है, मिडिल मैन बनकर नहीं रहना, मीडियोकर बनकर नहीं रहना। और भाई अगर आप सबसे बड़ी बात है, अगर बहुत कमजोर हैं तो आप फील्ड छोड़ देंगे, बहुत अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं सब। लेकिन मीडियोकर जो होता है वो जिंदगी भर मीडियोकर बनकर ही रहता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में मीडियोकर। तो मीडियोकर नहीं बनना है, अनवर सर का कहना यह है कि मीडियोकर बना, जो आप कर रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं चाहे आप खेल खेल रहे हो, किसी भी खेल को खेल रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, उसमें अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट बनकर निकलिए कि कोई आपको रोक ना सके। वही है कि अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, बार बार उसको मैं दोहराता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, इतना अपने आप को सुप्रीम इतना ऊंचाइयों पे पहुंचा लीजिए कि खुदा भी पूछे बता क्या लिख दूं तेरी किस्मत में। तो ये बहुत जबरदस्त मैसेज दिया आपने। अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं जो पोस्टपोन हो गया था, फिर उसके बाद उसको किया जा रहा है, तो अभी ओलंपिक्स के लिए स्पेशल मैसेज क्या है आपको इंडियन टीम से? ओलंपिक के लिए, ओलंपिक बड़ा फख्र का होता है, ओलंपियन होना ही अपने आप में एक बहुत फख्र की बात होती है, और हमारे हिंदुस्तान की टीम इस समय जितने भी ओलंपियन गए हैं सब बहुत शानदार तैयारी करके गए हैं, और उनको हमारी बेस्ट विशेस है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे हिंदुस्तान की झोली में आए, और हमारी हॉकी टीम तो बहुत बेहतरीन है इस बार, बड़े यंग लड़के हैं और बहुत ही शानदार हॉकी खेल रहे हैं, और उसमें तो एक हमारे साथ का ही छोटा बच्चा बहुत बढ़िया, ललित उपाध्याय बनारस का है, हम लोग UP कॉलेज साई हॉस्टल में थे, वहीं खेलता था, वो छोटा था तब आता था, अभी बहुत अच्छी हॉकी खेल रहा हो, और अभी इस समय जो हिंदुस्तान टीम के कप्तान हैं वो भी बहुत बढ़िया हॉकी खेल रहे हैं, अपने मनप्रीत हरप्रीत, बहुत ही शानदार टीम है इस समय, और पूरी उम्मीद है, इस बार पूरी उम्मीद है, और हमारे पूरे हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं कि इस बार हॉकी में हमारी टीम कुछ करे और हमारी हॉकी फिर एक बार उस बुलंदी को छुए जो कहीं ना कहीं मिस करता है अब, क्योंकि देखिए उस बुलंदी पर जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेडल लाने पड़ेंगे तभी हमारी हॉकी उस बुलंदी पर पहुंचेगी।
मेडल ना आने की वजह से हमारे लोग कम देखते हैं हॉकी। एक दौर था वो जब 8-8 मेडल आए थे तो लोग लगा के रेडियो सुनते रहते थे। तो अभी हमारी टीम जो गई है बहुत अच्छी टीम है और हम दुआ करते हैं कि इस बार कुछ हो, मेडल आए और हमारे हिंदुस्तान की हॉकी फिर से चमके। और इसी तरह जितने भी खेल के लोग गए हैं सबके लिए हमारी बेस्ट विशेष है। अनवर साहब की तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज है ओलंपिक्स में जाने वालों के लिए, तो और सभी लोगों को, हम भारतवासियों की सबकी दुआएं हैं कि हम लोग इस बार ज्यादा से ज्यादा मेडल्स लेकर आए और ये जो एक नकारात्मक दौर है, एक निगेटिव दौर जो चल रहा है इस पूरी दुनिया में, उसमें कहीं से भी कोई पॉजिटिविटी आती है तो वो हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी राहत का काम करती है। तो हमारी दुआएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए, ज्यादा से ज्यादा खुशखबरियां आए, जिससे कि हम लोगों के इस नेगेटिव दौर में हम लोगों के लिए खुशी, जश्न का कोई मौका मिल जाए। तो अनवर सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत खूबसूरत यादें ताजा हुई, बहुत सारी खूबसूरत बातें आपसे पता चली, बहुत सारे अनुभव हम लोगों ने उस चीज को, उस दौर को आपकी बातों से फील किया जिस वक्त आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अपने हमारे लिए वक्त निकाला, इस शो में आने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सलीम भाई। अरे आप तो हमारे बचपन के दोस्त हैं और बड़ी खुशी हुई हमको, बहुत से इंटरव्यू होते रहते हैं, बहुत से लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जो कोई अपने 20 साल बाद कोई बचपन का दोस्त मिला हो और उससे बातचीत हो रही हो जी, इसका एक बड़ा अलग मजा होता है जी। और आप लाइफ में अच्छा करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा बांटते रहिए जो आपके पास है, अपनी खुशियां लोगों को देते रहिए, लोगों का गम थोड़ा बहुत लीजिए, उसको शेयर करिए, उनसे बांटिए। और फिर से आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। अरे शुक्रिया सर आपका है कि आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।